बस का टाइम हो गया लेकिन ये अब तक नहीं आया। अरे ये बकवास बंद कर, वो तेरी तरह रबर नहीं है, वो गब्बर है, उसके लिए टाइमिंग जरूरी है। टाइमिंग क्या? आहा गुड कैच, तुमको ये चाहिए? हाँ देना। बॉम्ब बॉम्ब, ये फुलझड़ी है ना, तेरे हाथ में भी तो बॉम्ब है। हाँ बाय। बस के पीछे लिखा है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, इसीलिए मुंह काला करने के लिए उसने हम पर बम फेंका। सही कह रहा है। ए, देख बस आ गई लेकिन शिवा अब तक नहीं आया। अरे रुक जा, हीरो ने बोला है तो आएगा। के चक्कर में मेरी हीरोइन निकल गई, वो यहाँ पहुँच जाएगा। अरे वो तो बस जा रही है, जाने तो दे। ओ ड्राइवर रुक जाओ। अरे मेरी बस निकल गई यार। आज गई तो क्या हुआ, कल फिर से आएगी ना। रोता रहता है, उस पे तो पूरा बम फटा फिर भी वो नहीं रोया, और तू रोता है। बस चली गई यार, मेरे इतना चिल्लाने से बस नहीं रुकी तो तेरे सिटी बजाने से क्या रुक जाएगी। आगे देखना। ये हमारी बस रिवर्स में क्यों जा रही है? शिवा की सिटी का यही तो कमाल है। अबे मैंने आज तक ट्रेन को उल्टा आते हुए देखा है लेकिन सिटी के बजते ही बस को रिवर्स आते मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये है शिवा का जादू। आई आई कौन क्यों बदल दिया भाई? देखना बस में किसने एंट्री मारी है। तो क्या हो गया? स्त्री की इज्जत करो, तुम्हें एक स्त्री ने ही जन्म दिया है, समझा? देखा तूने? प्यार करोगे तो फुल सपोर्ट करेगा और लड़की छेड़ोगे तो धोएगा। सही है। कुछ देर पहले मच्छी मार्केट जैसा शोर था, अब एग्जाम हॉल जैसी खामोशी कैसी है? शिवा का इफेक्ट है, एज 20 है, स्पीड 120 है। रामगिरी का है, कॉलेज में जब भी बस से जाता जहाँ चाहता बस रुकवाता, पूरा स्टाइल भाई है, सब कुछ ब्रांडेड ही पहनता है, यहाँ तक कि अंडरवेयर भी। जी वो तुझे कैसे पता? उसके घर का धोबी और हमारा धोबी दोनों लंगोटिया यार है। तेरी वाली कौन है रे? मुझे शर्म आती है, वो ग्रीन ड्रेस वाली। अबे ग्रीन के बच्चे, इधर तो हर तरफ हरियाली है, किसी गलत ग्रीन के साथ टाका भिड़ जाएगा। ठीक से बताना कौन सी है। अरे वो वाली जिसने पोपड़ ग्रीन कलर का ड्रेस पहना है, काला पीला ज़ेब्रा। शिवा ने उनकी फैमिली से बात की और उनकी शादी करवा दी। अभी तेरी शिवा वाणी बंद कर दिया। अबे सुन, वही भूरिया कौन? हाँ वही। कोई चांस नहीं, चल उतर जाते। अरे ऐसा क्यों बोल रहे तू? अरे शक्ल से देख कितनी घमंडी लग रही है। ओह गॉड, एक बार शुरू हो जाती है तो बंद ही नहीं होती। प्लीज अपना मुंह बंद कर। उसका घमंड तो तू ही तोड़ सकता है, तोड़ना। रहने दे, अपने दोस्त की जिंदगी बनाने के लिए तो इतना नहीं कर सकता। बस तू मक्खन लगाते रहे। तू तो मेरा बचपन का दोस्त है ना। उम्मीद कम है पर ट्राई करता हूँ। जीजू क्या रे, मैं दिन भर मेहनत करता हूँ, तू यहाँ पे सेटिंग कर रहा है? अपने लिए नहीं, फ्रेंड की सेटिंग के लिए आया था। किसके साथ? वो ग्रीन वाली से। सेटिंग और बेटिंग का इकलौता एक्सपर्ट मैं हूँ। कब से? पहले से। शादी कर ली इसका मतलब नहीं सेटिंग करना भूल गया, बंदर कभी गुलाटी मारना नहीं भूलता। अब मेरी सेटिंग देख। अरे यार तेरा जीजा मेरी बैंड बजा देगा। मेरे जीजू पिछले जन्म में बिल्ले थे जो बिना वजह खंबे नोचते। आज मौसम कुछ अजीब है ना। रॉड पकड़ के खड़े हो जाओ ना, गिर गए तो उठ नहीं पाओगे। मेरा और शकीला का रिश्ता जन्म जन्म का है, हमें कोई नहीं गिरा सकता। मेरा काम समझाना था कि तुम्हारी। चल टिकट बोलो, चलो टिकट टिकट बोलो टिकट। सुनो सिस्टर, लव वो लोशन है जो लूज मोशन को भी कॉशन कर सकता है। क्या हुआ? कंपैरिजन है बदबूदार लेकिन बात में दम है यार। दिल में बजी घंटी, टिंग टिंग टिंग, कम ऑन बोलो बोलो, बोल दो आई लव यू, बोल दो। टिकट बोलो भाई, टिकट टिकट। अरे टिक टिक, मैंने टिकट ले ली। अरे तुम्हारी टिकट मैं ले लूं? तू क्या खर्चा पानी, चल चल। चल जल्दी उतर, आजा। क्या हुआ?
तेरी मिस इंडिया तो मिसिंग है। मिस हो गई रोज की तरह। अच्छे तेरे साथ यही होना है, बस हो या कार, भाग गया ना तेरा शिकार। शिकार जितना मुश्किल हो शिकारी को उतना ही मजा आता है। बस में बैठे बैठे मुझे इतनी भूख लग गई है, कैंटीन में चल के कुछ खाते हैं ना। हुँ? क्या हुआ? मुझे लग रहा था वो लड़के हमारा पीछा कर रहे थे। चल चलते हैं। शिकार दिख गया दोस्तों। हाँ। अब कहीं बैठकर जाल बिछाते हैं। अरे कब तक एक ही बाइक साफ करता रहेगा? अरे शिवा कैसा है? अरे मैं तो ठीक हूँ, तू कैसा है? और अचानक इधर कैसे? ये है कादर, शिवा गैंग का काला बंदर। और ये कौन है? गिरी है, स्कूल फ्रेंड है, प्यार से इसको रबर बोलते हैं। रबर? हाँ तो ये लिखता कम है और मिटाता ज्यादा है, इसलिए तो रबर बोलते हैं। ओ तुमसे मिलकर चाय बोल। चार चाय ला। चल आ जाओ। ये जल्दी कर रहे, वुमेन्स कॉलेज के सामने तो मेकअप की दुकान खोलनी चाहिए थी, ये गैरेज कहाँ से खोल दिया तूने? लड़कियों की तो चार पांच स्कूटी रिपेयर के लिए आती है, लेकिन इन ठरकी लड़कों की 40-50 बाइक आ जाती है। वैसे तो उन बाइक्स में रिपेयर करने लायक कोई काम नहीं होता, लेकिन हम ऐसे दिखाते कि उनके अंचर पंचर ढीले हैं। वो अपनी आंखें सेकते हैं और हम अपनी जेब भरते हैं। की कमजोरी तेरा बिजनेस। एकदम सही बोला। आज से तुझे एक नया ठरकी मिल गया। हाँ इसे भी इस कॉलेज की एक लड़की से प्यार, तो आज से यही इसका अड्डा है। अच्छा है आज मैम ने प्रोजेक्ट चेक नहीं किया। ओके बाय। चलो बाय। लेक्चर कैंसिल हो गया, बाइक 10 मिनट में तैयार होने वाली है, उसके बाद पिक्चर चलते हैं। मेरा फोन रिचार्ज किया क्या? सॉरी मैं भूल गया। पहले रिचार्ज कराओ फिर चलेंगे। माँ कसम ये लड़की तो कादर से भी बड़ी बिजनेस मैन है। सबका अपना अपना बिजनेस है। खैर बाइक जल्दी ठीक कर दे, फोन रिचार्ज करवाने जाना है। टाइम लगेगा। भाई तेरी टेंशन मैं समझ गया, तू एक काम कर बस अपना नंबर। नंबर किस लिए? प्यार का मामला है इसलिए। चल चल नंबर बता। हाँ लिख। इसके चाइना फोन में मेल वॉइस को फीमेल वॉइस बनाने का फीचर है, तू नंबर बोल और देख मेरा कमाल। हेलो कौन? मैं बोल रही हूँ चैताली। चैताली? हमने मैथ सर और बायो मैम को साथ में पकड़ा था, तुम भूल गई क्या? उन्हें ब्लैकमेल करके हमने सब्जेक्ट में मार्क्स बढ़वाए थे, याद है ना? किससे बात करनी है? तुमसे ही करनी है बसंती। मैं बसंती नहीं हूँ, उसकी दोस्त बोल रही हूँ। कॉलेज स्टाफ ने गलती से तुम्हारा नंबर दे दिया, मुझे जरा बसंती का नंबर देना, उसे शादी का कार्ड भिजवाना। 9555-71528। थैंक यू। अभी तक सुन बसंती, मेरी फ्रेंड चैताली ने मुझे फोन किया था। चैताली? वो जो तेरी बचपन की दोस्त है जिसके साथ मिलकर तूने मैथ्स वाले सर को ब्लैकमेल किया था। यही नंबर था ना? हाँ यही नंबर था। हेलो बसंती, मैं गिरी बोल रहा हूँ, वो रोज बस में मैं। तू अपने आप को क्या समझता है? हाँ शाना बनता है तू। कोल्हापुरी घुसा के तेरी भेल पूरी निकाल दूंगी, दिमाग की नसें मत फाड़, फोन रख जल्दी। ए, लगता है कॉल दूसरी जगह लग गया। गलत जगह तेरा फोन लग गया। रुक जा मैं सही जगह लगा कर आता हूँ। लड़की हमसे भी चालाक निकली, अब रास्ता बदलना पड़ेगा। तो रोज के रास्ते से कल पीछा नहीं करेंगे। रास्ता बाद में, पहले इसको बदलना होगा। ए, बस आ गई देख। ए, चलना वरना निकल जाएगी। रोज निकलने वाले सस्ते एंड्रॉइड फोन जैसा मत बन, बनना है तो आईफोन बन के आते ही हिट हो जाए। मतलब एक साल वेट करना पड़ेगा? अबे घोचू, ऐसा करने से लड़की के सामने तेरा भाव बढ़ेगा। हाँ अब समझ में आया। सर्च मार रही है? हाँ सर्च कर रही है, सर्च कर रही है। यानी अपना आइडिया काम कर रहा है। ए, बस निकल रही है यार। हमारा लड़कियों को ताड़ना एक बात है, पर लड़कियां हमें ढूंढे मतलब दिल की बात है। तू रुक, तू बस भाग के पकड़। हाँ, जल्दी जा। चलती बस में चढ़ने से युवक की मौत, न्यूज है। पेपर पढ़ने वाले पर पत्थर से हमला, येल्ले। एक बुड्ढा घायल, बिहार समाचार में। ए, वो चली गई, अब मैं घोड़ी कैसे चढ़ूंगा? घोड़ी बाद में चढ़ना, पहले बस पे चढ़। हर काम एक स्टाइल से करना चाहिए। मैं तो चला। अरे अरे जरा स्टाइल से भाग, तू तो ऐसे भाग रहा है जैसे कुत्ता गाड़ी के पीछे भाग रहा हो। मैंने कहा था लड़की मुझे देखेगी, पर पूरी बस तेरे को देख रही थी। मैंने कहा था स्टाइल में भाग, और तू कैसे भाग रहा था जैसे किसी की चेन चोरी करके भागा हो। चोर कहीं का। अच्छा सुन, तुझे स्टाइल में भागना नहीं आता है ना? ठीक है मैं सिखाता हूँ, 3 महीने का कोर्स है, शाम को 5 बजे शाहरुख बना दूंगा। शाहरुख बन गया। लड़की पटाने आया, लड़का नहीं। अब जाना जाके बात तो कर, मुझे शर्म आती है। बहुत शर्म आती है ना तुझे?
लड़कियां बॉटल है जो तारीफ के ओपनर से खुलती है। कितने क्यूट दांत है। बाल काले अंधेरी रात है। ऐसी तारीफ करना बंद नहीं इंप्रेस है। ऐसा क्या? जा ढक्कन खोल। अंधेरी रात है। बाल काले अंधेरी रात है। बाल काले चल जा। तुम तो सुनो। क्यूट दांत है। बाल काले हैं। अंधेरी रात है। बाल काले हैं। सुनिए टिकट के लिए छुट्टे पैसे दो और कंडक्टर की मदद करो। हे क्या कह रहे हो तुम? क्या कह रहा हूँ? क्यों कह रहा हूँ? क्या कह रहा हूँ? आँखें और दांत साला फटा हुआ रबर है। क्यों कह रहा हूँ? क्यों? हाँ, स्त्रियों को अपनी माँ बहन समान समझो। उनके लिए रिजर्व सीट पर सिर्फ उन्हें ही बैठने दो। मेरी सीट तो रिजर्व करा दे। अरे मर गया वरना तेरी गोद में बैठ जाऊंगा। अरे सुन ना देख देख वो मुझे देख के हंस रही है। उल्लू कपट थे। तू सुधरेगा नहीं ना। उतरो उतरो बस का टायर पंचर हुआ है। एक घंटा लगेगा पंचर बनाने में। ए, चलना। ये तो मेरे दोस्त कादिर का गैराज है। मैंने जिसकी बात की थी वो यही है। देख वो ब्लू शर्ट वाला। एक और दुकान खोल लेता ना मजा आ जाता। हाँ अभी कबाड़ी की दुकान खोलने वाला। क्या बात है सारे दोस्त एक जगह जमा है। अरे मदन कैसा यार। हमारी पांच के गैंग का एक और मेंबर। ये गिरी है मेरा स्कूल। इसको हम रबर बुलाते हैं। ये मदन है। एक मिनट ये देख लगता है कुछ। ये बाबू है मेरा बचपन का यार। यहाँ पास में रहता है। अब ये सरकारी कॉलेज में पढ़ता है। ये एक लड़की को चाहता है और तेरा दोस्त गिरी भी उसके पीछे पड़ा है। तुझे भी बसंती में इंटरेस्ट है? हाँ भाई मैं तो उसके लिए जान भी दे सकता हूँ। तुझे देखकर तो वो वैसे ही मर जाएगी। लेकिन तुझे कभी बस में देखा नहीं। ए सुनो जरा तूने कभी इसे बस में देखा है क्या? नहीं देखा। ये गिरी की तरह ढरकी थोड़ी ना है। शरीफ लगता मैं है। एक स्टॉप पहले उतर जाता हूँ और पीछे खड़ा रहता हूँ। लो एक लड़की के साथ उतरता है और दूसरा एक स्टॉप पहले उतरता है। मतलब ये लड़की को थोड़ा दिखाने से डरता है। वैसे दिखाने लायक शक्ल नहीं है पर काम बनाने के लिए दिखानी तो पड़ेगी। अब बता करना क्या है? दोस्त का दोस्त मेरा भी दोस्त। चलो कहीं चलते हैं।